हाफिज़े कुरान जो लोग होते हैं ये बड़े शरारती से होते हैं, लोग कहते हैं बड़े तेज होते हैं, तो आप भी हैं? यार देखो मैं भी हाफिज़े कुरान हूँ सैयद हूँ, हमारे आर्मी चीफ भी हाफिज़े कुरान है सैयद हैं, माशाल्लाह। तो हम मासूम लोग वो भी मासूम मैं भी मासूम। खान साहब ने हमें खुद ही सिखाई है, दिलेरी सिखाई, खुद ही या खुद ही का बड़ा मुकाम है। हाँ। खुद ही को कर बुलंद इतना के हर मुकाम से, खुद ही को कर बुलंद इतना। हाय हाय हाय। आपको कभी कभी ये नहीं लगता कि आप गलत मुल्क में पैदा हो गई हैं और वहाँ पैदा हुई हैं जहाँ सवाल नहीं पैदा होता? शादी के बाद आपको सबसे ज्यादा मजा कब आया? शादी से पहले भी बहुत मजा आता था, अभी बहुत मजा आता है। खा गए हो आपको बहुत मजा यार, हंसना मना तो नहीं है ना। आप दरवाजा खोल के क्यों नहाते? नलका बंद करके नहाया करें, जिस्म गीला नहीं होता। कितने बच्चे एक्सपेक्ट कर रही है हरीम? मैं पूरी 12 12 कर लेंगी, पैदा कर लूंगी। ये होंगे कब? ये अब शुरू कर दें अगर फरिश्ता आपको साइकिल पे बांग्लादेश ढूंढ रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, डेली पाकिस्तान के पॉडकास्ट के साथ यासर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरी दूसरी विंडो में ये जो आप शख्सियत देख रहे हैं, इतनी खूबसूरत पिंक पिंक होंठों वाली, ब्राउन आंखों वाली, खूबसूरत तीखा नाक और बालों में खूबसूरत स्ट्रिकिंग, इसको एक पूरा जो है ना वो एक बना रही है चाहत फतेह अली खान। कैसी इतना प्यारा इंट्रो दे के आगे में मिला है चाहत फतेह अली खान। यार वो इतना प्यारा है, अच्छा क्यूट है। एक मूवी है जिसमें आपको एक चांस दिया जा रहा है, रोमांटिक मूवी है, लव स्टोरी है, इमरान हाशमी या चाहत फतेह अली खान, दोनों में से किसको चूज करें? इमरान हाशमी। क्यों? क्योंकि मुझे पसंद है इमरान हाशमी। इमरान हाशमी का क्या पसंद है? वो रोमांटिक है, मैं खुद भी रोमांटिक हूँ। बहुत से लोग जो हैं वो आपके बारे में कहते हैं कि हरीम शाह बड़ी बोल्ड लड़की है। यस आई एम। हरीम शाह असल में बोल्ड है या नहीं, क्योंकि आपने हिफ्ज़ भी किया हुआ? जी बिल्कुल, मैंने हिफ्ज़ किया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और मतलब ये हाफिज़े कुरान जो लोग होते हैं ये बड़े शरारती से होते हैं, लोग कहते हैं बड़े तेज होते हैं, तो आप भी हैं? यार देखो मैं भी हाफिज़े कुरान हूँ सैयद हूँ, हमारे आर्मी चीफ भी हाफिज़े कुरान है सैयद हैं, माशाल्लाह। तो हम मासूम लोग वो भी मासूम मैं भी मासूम। आप अक्सर ये कहती हैं कि ये जो लोग हैं सियासतदान हैं ये असल में वैसे हैं नहीं जैसे नजर आते हैं। ये सच है यार, मतलब जितने लोगों से मैं मिली हूँ मैंने देखा उनकी लाइफ को, देखा कितने बड़े बड़े भाषण देना। आपने फिर उनकी वीडियोस क्यों बनाई हैं? आप ये भी क्लेम करते हैं कुछ की वीडियोस आपके पास हैं। यार जिनकी वीडियोस मैंने बनाई थी वो वीडियोस में सामने भी तो लेके आई थी ना। लेकिन वैसे अच्छी बात है, वैसे ही मैं पूछ रहा हूँ, गलत बात नहीं, अच्छी बात है, ये अच्छी बात है वीडियो बनाना। ये खान साहब के बारे में भी कहते हैं, पता नहीं सच्चा या झूठा इल्जाम है, कि ये इनकी भी कुछ वीडियोस हैं, तो वो आपने बनाई हैं? नहीं नहीं, खान साहब मेरे लीडर हैं, मेरे लिए इंस्पायरेशन है और मैं उनकी इत्तेबा करती हूँ। मुतअद्दिद बार हुई है पाकिस्तान में, बैरूनी मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह। पार्टी शार्टी में भी गई है? वो पार्टी जो पीटीआई पीटीआई की जो पहले बहुत पीटीआई की ज्वाइन, पार्टी में भी गई है आप? मैं ये कह रहा हूँ जो आप समझ रही है वो भी ठीक है, आपको खान की सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? उनकी वफादारी मुल्क के साथ, यूथ को जिस तरह उन्होंने इकबाल की तरह खुद ही का दर्श दिया कि उठो उठ के खड़े हो जाओ। बदतमीज नहीं बनाया मैं छोटा हूँ, मुझे पता नहीं चलता है। आप ऐसा मत सोचें, खान साहब ने बिल्कुल भी नहीं, खान साहब ने हमें खुद ही सिखाई है, दिलेरी सिखाई, खुद ही या खुद ही का बड़ा मुकाम है। हाँ। खुद ही को कर बुलंद इतना के हर मुकाम से, खुद ही को कर बुलंद इतना हाय 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 के हर मकाम से पे। हस्ती का खुलासा इस जुमले में है, तो खुद ही क्या है, खुद ही पे क्या है? खुदी? मेरी नजर में देखें इंसान अपने आप को पहचाने कि वो है क्या, उसका मकसद क्या है। तो ये खुदी किधर होती है? खुदी इंसान का अपना जमीर है, इंसान के अंदर ही होती है। हर एक इंसान का जमीर है इटसेल्फ, मतलब खुद इंसान अपने आप को देखे कि वो है क्या, उसका मकाम क्या, वो दुनिया में क्यों आए, वो गुलाम बनने के लिए नहीं आया, वो गुलामी करने के लिए नहीं आया। आप कितनी दफा थाईलैंड गई? थाईलैंड 4-5 दफा तो गई। आप मतलब वहाँ पे प्रीच करने गई थी? नहीं मैं तो याशी करने गई, वहाँ पे क्लबिंग देखी, वहाँ के लोगों का आपने क्या किया? आप बताएं ना, आप क्यों मुनाफ़त कर रही हैं जो आप एक कमरे में करती हैं, बताएं। एक कमरे आप लोगों को भी वही एक्सपोज करती है ना, वो जो कमरे की बात है उनके कमरे की है, पर्सनल आप अपनी बताएं। अगर आप याशी बता रही है ना, मैं वहाँ पे वहाँ के मुझे सबसे ज्यादा बीच वगैरह अच्छे लगते हैं। बीच में जाना अच्छा लगता है या बीच पे समंदर वगैरह और इस तरह बीच वगैरह? तो ये जो गोरे हैं ये समंदर के किनारे को बीच कहते हैं, जिंदा माँ को मम्मी कहते हैं, जीते जागते बाप को डैड कह देते हैं,
तो आपको दुख नहीं होता? नहीं, तो मम्मी और डैड उनका वो है, तो मम्मी कहना या डैड कहना, आजकल पाकिस्तान भी वही कॉपी कर रहे हैं, मम्मी डैड यहाँ पे भी चल रहे हैं। डैड मम्मी है नहीं घर पे, पिछले कमरे में करेंगे यमन का टीटा हो। आप बताएं यमन के टीटे का क्या मतलब? आप हंसी क्यों रहे हैं? आप बोल शरारती हैं, आपका बहुत दिमाग चलता है। मैं बहुत तेज हूँ, मैं ना बचपन से ऐसा हूँ। नहीं दिल के आप बहुत अच्छे हैं, आप वैसे भी बहुत अच्छे हैं। ये चुलबुली ये सब कुछ, उसके अलावा ख्यालात आपके लिए बहुत साफ हैं, शफाफ हैं। शफाफ हैं, साफ हैं ये। प्लीज जरा थोड़ी सी नजरसानी करें, थोड़ा सा। नजरसानी क्या? आप वो नजरसानी तो अब हो भी नहीं सकती, आपकी शादी हो गई है। आपके हस्बैंड का क्या नाम है? मेरे हस्बैंड का नाम है बिलाल शाह। बिलाल, अच्छा आपकी जब वीडियोस वगैरह लीक हुई तो उसके बाद उन्होंने कोई आप पे... मुझे कोई कुछ नहीं कहता, सबको पता है मैं बेलगाम घोड़ा हूँ। क्या? बेलगाम घोड़ा। बेलगाम घोड़ा। घोड़ा तो मतलब आपके हस्बैंड ने आपको कुछ नहीं कहा उस पे? मुझे कोई भी कुछ नहीं कहता। तो आपको दुख तो हुआ होगा जब अपनी वीडियो लीक हुई होगी? ऐसा मतलब उस वीडियो में कुछ था भी नहीं, ऐसे ही नहाते हैं सारे वॉशरूम में, तो नंगे ही होके नहाए जाते, कोई आज तक कपड़ों समेत ना आया। अगर एक मतलब कोई बुरी बात नहीं, पार्ट्स ऑफ बॉडीज गोरे भी ऐसे ही घूमते हैं, मैं भी गोरी। तो ये तो लेकिन हमारा तो इस्लामिक कल्चर है ना, हमारा कल्चर वो वाला नहीं है। आपको कभी कभी ये नहीं लगता कि आप गलत मुल्क में पैदा हो गई हैं और वहाँ पैदा हुई हैं जहाँ सवाल नहीं पैदा होता? आपके शादी से पहले कितने बॉयफ्रेंड थे? बॉयफ्रेंड मेरे कोई भी नहीं थे, मैं सबके साथ फ्लर्ट करती थी। सियासतदानों में कौन से पागल थे? मैं तो शेख रशीद की बोलूंगी। शेख रशीद साहब, वो तो एक दफा प्रोग्राम में भी उन्होंने कॉल उठा ली थी ना आपकी, बकवास। वो तो मुझे कहते थे कि हरी मैंने आपसे शादी करनी है। तो आप कर लेती? आपका कितना बड़ा नाम होता मेरा, हरीम शेख रशीद, और मरने के बाद और बड़ा हो जाना था, हरीम शेख रशीद मरहूम। शादी के बाद आपको सबसे ज्यादा मजा कब आया? शादी से पहले भी बहुत मजा आता था, अभी बहुत मजा आता है। यार हंसती क्यों है? मैं वैसे भी मतलब खा गए हो, आपको बहुत मजा है। यार हंसना मना तो नहीं है ना, लोग आपको धोखा दे देते हैं। आपकी इतनी प्यारी दोस्त थी संदल खटक, कोई उसके किसी ने बाल भी काट दिए थे, वो क्या था? उनको गंजा किया था, गंजा उनके कारनामों की वजह से किया था, खोखर ग्रुप ने के लोगों ने किया था। कौन से खोखर? अब मैं पूरा नाम नहीं लूंगी, लेकिन बस बाल काट दिए थे। हाँ, गंजा कर दिया था। तो फिर आपने उसका साथ दिया? मैंने साथ दिया, मैं इसको टर्की लेके गई थी। इसके बावजूद आप ये इल्जाम लगाते हैं उसने आपकी वीडियोस लीक कर दी हैं। आप दरवाजा खोल के क्यों नहाते हैं? नलका बंद करके नहाया करें, जिस्म गीला नहीं होता। अच्छा मैंने देखा था उस वीडियो में बायो अमला बालों पे लगाया हुआ था आपने। मैं बायो अमला जिंदगी में कभी यूज नहीं किया। बड़ा गंदा सा शैम्पू लग रहा था, झाग ज्यादा सर के ऊपर। आप लंबे बालों पे तो झाग बनती भी है। तो हर शैम्पू में झाग होती है क्या? बायो अमला आयोडेक्स लगाया करें आप। आयोडेक्स। चाहत फतेह अली खान के साथ अगर कुछ जिंदगी में कोई एक मूवी बनाने का मौका मिले और रोमांटिक सीन हो तो किस तरह का हो? मेरे ख्याल में वो एक एंटरटेनर है और आप भी एक एंटरटेनर ही। हाँ, एंटरटेनर है। अगर कोई रोमांटिक सीन उनके साथ आ जाता, रोमांटिक सीन में मुझे बोले बिलाल के साथ कौन सा करेंगी तो मुझे समझ में, मैं चाहत फतेह अली खान के साथ, अब मेरा ये रोमांस रह गया जाके चाहत फतेह अली के साथ जाके रोमांस। इतना प्यारा है। उसने असल में ना वो तराना गलत कर दिया, वो तराना आप पे था। ये जो डंडा है इसमें झंडा है, वो असल में वो झंडे पे ले गया, तो वो असल में गाना आप पे था। ये फ्लर्ट करके लोगों को धोखा देके कितने पैसे कमा लेते हैं? अरबों 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 से याद आया, आप दुबई भी गए थे, बुर्ज खलीफा और ये सारे मतलब आप जाती आती दुबई में। तो मैंने एज अ ब्रांड एंबेसडर कंपनीज के साथ काम किया, अरबियों की ब्रांड एंबेसडर। अरबियों के कोई से तीन फायदे? अच्छे लोग हैं, एक हो गया, बाकी दिल आ जाते हैं तो उनके साथ बड़ा प्यार करते हैं। अच्छा मतलब और तीसरा फायदा? बहुत खुले दिल के मालिक हैं। खुले दिल। आप कितना अरसा रही हैं दुबई? दुबई में मैं 4-5 साल तो स्टिल रही हूँ। सोती कब थी? टाइम पे। कितने बजे? यार टाइम पे सोती थी, जब नींद आ जाए सो जाती हूँ। मतलब मोस्टली दिन में ही सोती थी या रात में? जब भी दिल करे मेरा। मोस्टली दिन गर्मी को करे ही ना। नहीं हमारी गर्मी नहीं लगती, हमारे अंदर एसी लगा हुआ है, ठंडा कर लेते हैं। लोगों के घरों में गीजर लगवा के खुद आपने एसी लगवा ली है, तो ये खुला तो जात नहीं है? खुला तो जात क्यों है ना, लोग गर्म हो ना। कुछ और भी सोच ले। हरीम शाह कोई ऐसी बात बता दे जो आज तक उसने नहीं की किसी के साथ। मुझे पाकिस्तान के अंदर के ऐसे ऐसे लोगों ने ऐसे ऐसे मैसेज किए हैं, अगर उनको मैं रिवील कर दूं या शो कर दूं
तो वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। बड़े नाम है। हाँ, बहुत बड़े नाम है, बहुत बड़े नाम है। और ये मौजूदा सेटअप में या पिछले सेटअप में थे? आपको लगता है बस पाकिस्तान को यही चला रहे हैं? हरीम की शादीशुदा जिंदगी कैसे गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त। हस्बैंड की सबसे अच्छी चीज? अपने काम से काम रखते हैं। तेरा बंदा तेनु पूछदा मांगदा? हर एक इंसान को अपने काम से काम रखना चाहिए, दूसरों की लाइफ में इंटरप्ट नहीं करनी चाहिए। कितने बच्चे एक्सपेक्ट कर रही है हरीम? मैं पूरी 12 पारा कर लेंगी। मैं पैदा कर लूंगी। ये होंगे कब? ये अब शुरू कर दें तो फरिश्ता आपको साइकिल पे बांग्लादेश ढूंढ रहा है। तीसरा साल है ना, 3 साल बाद का मेरा प्लान था। अभी 3 साल बाद मैं इस प्लान पे काम कर रही हूँ। सरोगेसी के थ्रू पैदा करूंगी खुद। कोई खुद कैसे पैदा करेंगी? सरोगेसी। वो क्या होती है आसान लफ्जों में जरा? मैं डॉक्टर तो नहीं। सरोगेसी जैसे इंडियन स्टार्स बच्चे पैदा करते हैं। क्या होता है उसमें? उसमें ये होता है कि बस मैं क्या इसको एक्सप्लेन करूं, छोड़े बस। नहीं, मुझे पता नहीं है ना, मैं आपको मैं इनोसेंट छोटा हूं, बताएं क्या होता है सरोगेसी? क्या होती है? नहीं, आई डोंट नो, मुझे बताएं क्या होती है? छोड़े बस, छोड़े। गंदी बात है कोई? हां गंदी बात। तो बताएं फिर आपने क्यों की मेरे इंटरव्यू? मेरे इंटरव्यू में गंदी बात नहीं करनी, आप बताना पड़ेगा। बस ये मैं 12 बजे पैदा करूंगी, मैं खुद ही पैदा करूंगी, खुद मेहनत करूंगी। ओके, 12 बच्चों में बेटे कितने होंगे आपके और बेटियां? मेरे सारे बेटे होंगे, मैंने क्रिकेट टीम बना ली। अच्छा, क्रिकेट टीम बनाई, माशाल्लाह। तो अगर अल्लाह ने करे कोई इंजर्ड भी हो गया तो 14-15 कर ले, बैकअप पे भी पड़े। बैकअप पे भी, बैकअप के लिए भी रख लूंगी। तो ये बिलाल भाई में से इंशाल्लाह? इंशाल्लाह 12 नहीं, 12.5 नहीं, 12.5 नहीं, पूरे 12। 12.5 12 बच्चे तो 12 साल लग जाएंगे हरीम, तो बहुत लेट हो जाएगा। आप में 12 साल लग जाएंगे तो क्यों? 12 साल कौन से साल यूं गुजरते? कैसे कैसे ये जरा ऊपर करके उंगलियों में यूं करके साल गुजरते हैं तो आड़े यूं गुजरते हैं, साड़ियों ने अखा बाहर आ जाने। हरीम अपनी आंखों के आगे इसको ले आए, स्क्रीन पर एक शख्सियत नजर आ रही है, बताए वो कौन है? मतलब किस शोबे में से हैं? ऐसे तो बहुत सारे स्क्रीन के लोग हैं। एक्टिंग के शोबे से? एक्टिंग के शोबे में से हैं। काफी फेमस हैं या लाइक ऐसे हैं? काफी फेमस हैं। इंटरनेशनल लेवल पर या ओनली इंटरनेशनल लेवल पर? जैसे आप फेमस हैं ना, वैसे फेमस हैं। अच्छा, लड़कियों में से हैं, लड़कों में से? लड़का है। अच्छा, इंडिया में काम किया उन्होंने जाके? इंडिया में तो ऐसा किया ना उन्होंने, उफ। इंडिया में काम किया हुआ है, फेमस है, लड़कों में से हैं। इंडिया में तो हमारे स्टार में से एक फवाद गए हैं, फवाद खान। नहीं, लेकिन वो नहीं है। वो नहीं है तो इनके बारे में हिंट मैं थोड़ी सी और दे देता हूँ आपको कि ये कमाल कर देते हैं। कमाल किस चीज में? कमाल कर देते हैं ये। कमाल मतलब किस चीज में कमाल करते हैं? हरीम, कमाल कर देते हैं ये। ये ऐसा कौन इंसान है जो कमाल कर देते हैं? और बताएं इनके बारे में, मतलब कुछ हिंट क्लू। इनका 4-5 मिनट का गाना होता है, बड़ा कमाल का। अच्छा, गाना सिंगर है? गाने में होते हैं। अच्छा, गाने में एक्टिंग करते हैं, खुद गुलकारी नहीं करते? और इंडिया में भी काम किया? गुलकारी करने का मतलब टाइम नहीं मिलता, उनका फोकस कहीं और होता है। यार ऐसा कौन है, कैसे? बिल्कुल भी मेरे को समझ नहीं आ रहा कैसा कौन है। यकीन करें ये आपको बहुत अच्छे भी लगते हैं। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे फेवरेट हैं। हाँ जी, माइंड में कोई भी ऐसा? अभी थोड़ी देर पहले आपने उनका नाम भी लिया था। लिया था ना? नहीं लिया। लिया? नहीं लिया मैंने। लिया था? नहीं, अभी थोड़ी देर पहले तो लिया था। नहीं लिया था। इमरान हाशमी? तो ये पाकिस्तानी तो नहीं है? तो इंडियन है, मैंने कब कहा है? तो आपने बोला पाकिस्तानी है। एक्टिंग नहीं, पाकिस्तानी तो मैंने कहा ही नहीं। तो आप पाकिस्तानी इंडियंस में? चलिए ऊपर कर लेना, ऊपर कर लेना, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब आपने खोल खोल के जरा मुझसे चीजें पूछ लेनी है। ये स्क्रीन पर एक शख्सियत नजर आ रही है, बताएं ये कौन है? पाकिस्तान, इंडियन? पाकिस्तानी। एक्टिंग में से है, सियासत में से? हाँ, है। एक्टिंग और सियासत दोनों में से ही है। एक्टिंग जिंदा है अभी ये दुनिया से? हाँ जी, जिंदा और जावेद है माशाल्लाह। मैरिड है? जी मैरिड है। फनी होते हैं या संजीदा? हाँ, फनी भी बहुत होती है समटाइम्स। तो सियासत में भी है और एक्टिंग में भी है? हाँ, सियासत में है। लड़की है या लड़का? लड़की है। लड़की है? हाँ, बताएं। अच्छा, मतलब फैशनेबल है, लाइक फैशन वगैरह करती हैं? ओ ऐसा, फैंडी टॉप्स, द पर्स, गुची, ब्रांड कॉन्शियस बहुत ज्यादा। अपने पैसे पे यशी करती हैं या आवाम के, पब्लिक के इस पैसे पे? नहीं, अपने अपने पैसे भी करती हैं खुद। मतलब बिजनेसमैन भी है कोई? बिजनेस वगैरह खुद बिजनेस में नहीं, अमीर खानदान से? हाँ कह सकते हैं, अमीर खानदान से। और खातून है, फैशन भी करती हैं, मेकअप करती हैं, यंग है? सियासत में तो यंग तो नहीं है, लेकिन यंग से बढ़कर है। ये कि वो सर्जरियां वाली है वो तो नहीं है, वो मरियम नवाज साहिबा? ये मरियम साहिबा ही हैं। बहुत क्लैपिंग आपके लिए। वाह 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 यार हरीम, आपने क्यों नहीं किया यार सीएसएस?
आप ऑन कैमरा ये कहते हैं आपकी इजाजत से इंटरव्यू हो रहा है। जी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा तो मतलब इजाजत से, और ये इसको हम पब्लिश कर दें पूरा, पब्लिश कर दें। बहुत शुक्रिया हरीम, थैंक यू, थैंक यू।